कितना गंदा हो गया है राइडिंग गियर। आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं राइडिंग के लिए गियर राइडिंग गियर निकाला है मैंने, और आज मैं जा रहा हूँ राइड पे। बेसिकली राइड क्या है, मेरे काम से मुझे जाना है एटा, तो एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी। और मैंने पहले भी एटा गया था पर ब्लॉग नहीं करे मैंने बहुत दिनों से राइड पे, और उसका कारण मैं बताता हूँ। मैं ब्लॉग क्यों नहीं करता हूँ राइडिंग पे जाता हूँ, तो छोटी मोटी राइड पे भी जाता हूँ तो ब्लॉग नहीं करता हूँ, उसका कारण ये है क्योंकि इसमें क्या है एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो जब मोटो ब्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक इसमें माइक ना हो, आवाज़ ही नहीं आती और चिल्ला चिल्ला के बोलो तो भी इतनी ढंग से नहीं आती। पर आज मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा बहुत ब्लॉग करता हूँ। मुझे थोड़ा एटा में अपनी बाइक का कुछ इश्यू आ रहा है, उसका काम है, तो बस वहीं जाएंगे और चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं। राइडिंग के देखो मेरे कितने कंधे हो रहे हैं, देखो बुरी हालत है इनकी, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और निकलते हैं। और आपको वेलकम तो की नहीं, तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपी ब्लॉग्स। तो चलिए अब निकलते हैं राइड के लिए। तो एटा हम जो काम के लिए जा रहे हैं वो काम है बेसिकली गाड़ी का जो बैटरी है वो चेंज कराने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बैटरी हो गई थी ख़राब। अब ये क्यों ख़राब हो गई तो इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गाड़ी आपको जैसा पता है मैं ज़्यादा निकालता नहीं हूँ, राइड पे ले जाता नहीं हूँ, तो भाई क्या होगा गाड़ी का अगर ख़राब होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो इसका पहले तो ये पंप ख़राब हुआ, इसमें छेद हो गया पता नहीं कैसे, जो ब्लू मार्क देख रहे हैं उसके आगे अगर आप देखेंगे तो इस पंप का पता नहीं कैसे छेद हो गया, तो वो ख़राब हुआ। तो चलो कैसे तैसे फिर हमने गाड़ी पहुँचाई एजेंसी पे, वहाँ पहुँच के मालूम पड़ा कि पंप भी ख़राब है, उसका ECU जो कि शायद इंजन कंट्रोल यूनिट होता है वो भी ख़राब था जो इसमें होता है, और इसकी बैटरी वो भी ख़राब हो गई। तो गारंटी खाली मुझे मिल पाई ECU की, क्योंकि पंप बाहर से ख़राब था इसलिए पंप सही नहीं हुआ, तो पंप मैंने उस टाइम डलवा दिया, ECU गारंटी मिल गया। लेकिन बैटरी का जो है वो मैंने क्लेम में डाली थी, पर क्योंकि उसकी एक साल की वारंटी निकल गई थी तो उसका कुछ नहीं हो सकता था। तो अब बेसिक, और उन्होंने जो एजेंसी थी बहुत ही बढ़िया है, उसके जो मैनेजर हैं उन्होंने अपनी एक 350 cc की इसमें डाल के दे दी थी बैटरी, तो भाई 350 cc की बैटरी डालेंगे तो भाई वो वैसा काम तो करेगी नहीं, 350 cc का तो इसमें काम करेगी नहीं, क्योंकि इसका जो बैटरी होती है वो बड़ी होती है और वो बैटरी छोटी होती है। तो बेसिकली अब वापस जा रहे हैं, उनकी बैटरी भी लौटानी है, नई बैटरी भी डलाएंगे, और ये मेरे इधर देख रहे हैं आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जो ये कंपनी वो है। तो खैर एटा ऑलमोस्ट हम पहुँच गए और थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे एजेंसी पे। ओ पीछे गाड़ियाँ गाड़ियाँ, ट्रैफिक एटा में घुसते ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो जाता है। तो उससे हमें क्या सबक मिल गया है कि अब हमें बड़े फ्रीक्वेंटली राइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कासगंज ले जाने में मुझे जो है दिमाग ख़राब होता है, मैं ज़्यादातर एक्टिवा से जाता हूँ, मैंने आपको उस एक्टिवा के रिव्यू वाले वीडियो में बताया भी था। तो फ़िलहाल तो अब यही काम करेंगे कि हर सैटरडे को जो है राइड कर लिया करेंगे, देखेंगे राइड पर निकल जाया करेंगे कहीं ना कहीं। और जल्दी हम मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर से एक बार जा रहा हूँ मैं गोवा। तो प्लान ये है कि पहले मैं जाऊंगा हैदराबाद, हैदराबाद से मेरे फ्रेंड्स के साथ गोवा जाऊंगा, वहां से मतलब हम लोग ड्राइव करके जाएंगे, और यहां से वाली ट्रेन से जा रहा हूं मैं गोवा तक, जो कि बहुत ही बोरिंग होने वाला है क्योंकि 20 आवर्स की ट्रेन की जर्नी है। तो उसके ब्लॉक्स भी धमाधम आएंगे, फ़िलहाल तो इसका इशू सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो बस अब राइड्स 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 करनी है मुझे, कोशिश करनी है हर वीकेंड पे राइड करने जाऊँ अपने एरिया के आसपास, कासगंज के 30 किलोमीटर्स के रेडियस में जो है राइड करूँ। और जो कासगंज या एटा से कोई मुझे देख रहा हो इस ब्लॉग को भूले बिसरे तो वो मुझे जो है कमेंट करके आसपास के एरिया कासगंज या एटा के पास के कोई बढ़िया से कोई जो स्पॉट हो, जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई हो या एक्सप्लोर हुई भी हो
तो मुझे बताए तो मैं कोशिश करूँगा, वहाँ जाऊँगा और ब्लॉग भी कर लूँगा, राइड की राइड भी हो जाएगी और गाड़ी भी हमारी चलती रहेगी। बेचारी 2 साल में सिर्फ 44,380 चली है भाई, इतनी कम चली है भाई, लोगों की कहाँ कहाँ पहुँचाती गाड़ी थी। कोई बात नहीं, इसको भी हम चलाएँगे, फ्रीक्वेंटली चलाएँगे। और वीडियो भैया यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही लेना। ये रोड अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, राउंड अबाउट बन गया पूरा, और पहले यहाँ पर कचरा वचरा डाला रहता था, अब काफ़ी अच्छा हो गया। और हम अब यहाँ से जीटी रोड की तरफ, राइट में जीटी रोड है तो जीटी रोड की तरफ मुड़ जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट में जो है हमारी एजेंसी आ जाएगी। तो क्या है कि भाई आपका थोड़ा आलसी भी है, तो आलस पने में कभी कैमरा नहीं उठाता। 2-3 महीने एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई होती, पर अब आलस छोड़ना है भाई, फटाफट डालना है ब्लॉग एक के बाद एक के बाद एक। और गोवा जा ही रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इस बार पिछली बार की तरह नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पैलोलम बीच के ऊपर जो एक छोटा सा ब्लॉग है वो देखिए, और आपको मालूम पड़ेगा पिछली बार मैंने बहुत शूट किया था, ड्रोन भी था मेरे फ्रेंड्स का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें उड़ गई थी। फिर भी मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी अपने फ्रेंड से, जो उसके ड्रोन शॉट्स थे और इधर उधर से चीज़ें लेके, और छोटा सा एक ब्लॉग बनाया वो देखिए। तो और हम पहुँच, ओ शिट आज बंद है। अच्छा, इसलिए बंद है। तो आज अनलकली शोरूम बंद है क्योंकि जिनका शोरूम है उनके डैड की आज 13वीं है, तो इसलिए बंद है। तो अब हम क्या करें बिच्छू, गाड़ियाँ लगाते हैं और चाय पीते हैं और वापस घर जाते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई। तो भैया बंद है अब यहाँ पर जो है, हाँ पता है, चाय पी के फिर चले जाएंगे। तो भैया चलते हैं अब, चाय वाय पीते हैं और क्या, चाय बनवा ले तो बिच्छू। तो भैया पोपट हो गया बहुत बड़ा, अब कल फिर आना पड़ेगा लग रहा है। तो भैया आज तो एजेंसी बंद है, कुछ दिक्कत तो है, लेकिन मैंने फ़ोन कर दिया है। बहुत ट्रैफिक है, निकल जाते हैं। तो मैंने फ़ोन कर दिया है वर्क्स मैनेजर को, तो उन्होंने, मेरा थोड़ा सा ही काम है बैटरी का, उनकी बैटरी मुझे लौटानी है, अपनी बैटरी मुझे डलवानी है, तो वो एक लड़का भेज देंगे, मोस्ट ऑफली 1 घंटे में आ जाएगा। तब तक बैठेंगे या इंतज़ार करेंगे, यहाँ कहीं बैठ के इंतज़ार करेंगे पेड़ के नीचे, और देखते हैं मोस्टली हमारा काम तो हो जाएगा आज, और उसके बाद फिर चलते सीधे घर। तो मैं सीधे काम कराता हूँ, यहाँ का काम खत्म फिनिश करता हूँ, ट्रक को निकल जाने देते हैं, फिर बात करेंगे। शोर बहुत है भैया रोड पे, जीटी रोड पे शोर रहता ही है। तो बस फिर सीधे मैं पहुँचूँगा घर और मैं आपसे बात करूँगा सीधे घर पर, और मिलते हैं अब सीधे घर पर, बस काम हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से सीधे घर जाऊँगा और वहीं बात करते हैं। चलिए भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और गर्मी भयंकर वाली है और धूप पड़ रही है, पर लाइट सबसे अच्छी आ रही है, तो लाइट के सामने बैठे हैं। देखिए भाई पर्दा, भाई साहब बीच में आ गए, हट जाओ पर्दा हट जाओ। तो बेसिकली बैटरी का काम था जो आपको बता ही दिया था मैंने, आज बैटरी का काम था, बैटरी करा ली मैंने, रैक साइड की बैटरी लगवाई है मैंने, अब पता नहीं कैसे चले, 6 महीने की गारंटी दी है, कुछ 2600 की आई है, सस्ते में तो छूट गए, लेकिन बस ये ना हो कि जल्दी से ख़राब हो जाए।
और फिर जल्दी बदलवाने पड़े। तो बैटरी का इशू भी सॉल्व हो गया, जो मैंने आपको बताया था रास्ते में कि उसकी जो पंप वगैरह वो सब अब पूरे हो गए। अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, गाड़ी रेगुलरली निकालनी है, जो मुझे वहाँ पर भी जो वर्क मैनेजर थे उन्होंने भी बोला, और निकालनी भी पड़ेगी भाई, नहीं निकालूंगा तो फिर ख़राब होगी, खड़े खड़े ख़राब होगी तो दिमाग ख़राब होगा, और मुझे लग रहा है मेरी शेडो आ रही है बार बार। वो कोई बात नहीं, पसीना देखिए कितना आ रहा है, लेकिन लाइट के चक्कर में कोई बात नहीं, होता ऐसा। तो अब जो है प्लान यही है कि जल्दी जल्दी राइड करूँगा, और मोस्टली गोवा से आने के बाद मैं ज़्यादा राइड करूँगा। अभी तो इतनी राइड कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अभी जल्दी जाने वाला हूँ वहाँ पर। तो वो ब्लॉग तो आप ज़रूर देखिएगा, इस बार कोशिश करूँगा अच्छे से बनाऊँ, बढ़िया बनाऊँ, तो देखते रहना आप वो भी। तो आज बहुत दिनों बाद मोटो ब्लॉगिंग भी करी मैंने। बेसिकली मेरा साउंड जो आपको वैसे मैंने पहले ही बता दिया उसमें ख़राब था, तो आज माइक लगा के इस फ़ोन के थ्रू मैंने साउंड रिकॉर्ड किया है। तो आप ही बताना कमेंट करके कि अच्छा साउंड आया कि नहीं आया। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, बैटरी चेंज हो गई, सारे काम उसके हो गए, अब सिर्फ राइड पे जाना है मुझे। सिर्फ आप इतना काम करिएगा कि पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए उसके बाद में, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और एक काम और करिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कासगंज एटा से कोई देख रहा है, आसपास कोई जगह हो 30 किलोमीटर के रेडियस में ठीक ठाक अच्छी सी घूमने लायक, तो मुझे कमेंट करके बताएं, वहाँ जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा और वहाँ की वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग्स बनाऊँगा, आपको भी डालूँगा और मेरी राइड की राइड भी हो जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ एंड करता हूँ, छोटा सा ब्लॉग है आज का। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय।